हंगामा, शोर शराबा और बवाल की ये तस्वीरें सर सैयद अहमद खां के सपनों की सरजमी से है, जिसे दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। कैंपस में पूरी रात छात्र ऐसे ही बवाल काटते रहे और पुलिस की गाड़ियों के सायरन कैंपस में गूंजते रहे। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने हंगामा करते हुए सेंटेनरी गेट को बंद कर दिया। ये सारा बवाल दो छात्रों में हुए हंगामे के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के नदीम तारीन हॉल में दो छात्रों में क्रिकेट खेलते वक्त झगड़ा हो गया था। दोनों छात्रों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे छात्र के सिर पर बल्ले से हमला कर दिया। दो स्टूडेंट है इंडिके बीटेक सेकंड ईयर के, शोभित है और साजिद है। आज शाम में शोभित ने साजिद के सर पर एक बैट मारा और कई बार मारा है, जिसकी वजह से साजिद के इंटरनल इंजरी हुई है, स्कल में इंजरी है और आँख पूरी सोयल हो गई है। और डॉक्टर ने उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई है 24 घंटे के अंदर, मतलब उन्होंने बताया 24 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमने डिमांड करी थी कि FIR लॉज हो, उसके खिलाफ प्रॉक्टर एक्शन लें। अभी फिलहाल प्रॉक्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया है, FIR लॉज हो चुकी है, लड़का पकड़ चुका है थाने में। लेकिन अभी फिलहाल ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि उसे रेस्टिगेट कर दिया जाए। आनन फानन में घायल छात्र को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमने एक्शन भी ले लिया है, हमने फौरन जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया है, उस लड़के के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, क्या कोई प्रोसीजर? देखिए, इसके लिए एक ड्यू प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज जो भी है इस तरीके से एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ भी सेक्टर हाई कोर्ट से पास हो जाता है टेक्निकल ग्राउंड। लिहाजा जो भी ड्यू प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई। कुछ दिनों पहले भी AMU कैंपस में हुई फायरिंग के बाद हड़कंप मचा था। AMU प्रॉक्टर टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी को पीछा करते हुए दबोचा, तो उसके पास से तमंचा सहित दो दर्जन कारतूस बरामद किए थे। इन घटनाओं से कैंपस की सुरक्षा और छात्रों की मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं।